आगामी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, सभी सियासी दल अपनी अपनी कमर कसते जा रहे हैं और नई नई रणनीति के तहत वोटरों को साधने की कोशिश में लग गए हैं। ऐसे ही बीजेपी भी हर मोर्चे पर अपनी तैयारी में जुट गई है और इस बार बीजेपी यूपी में बड़ा दांव खेलने की कोशिश में है। जैसा कि पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी का फोकस ओबीसी वोटर्स पर है, क्योंकि ये वोटर्स पहले भी बीजेपी के खेवन हार बनते रहे हैं, जिसको लेकर फिर इनको टारगेट करने की कोशिश है। पर इस बार बीजेपी इन वोटर्स को साधने के लिए नया विकल्प अपनाने वाली है। पूर्वांचल के समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए बीजेपी ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए इस बार तीन चेहरों को आगे कर सकती है, जिसमें से एक चेहरा बिहार से होगा और वो होंगे नीतीश कुमार। इसी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ओबीसी वोटर्स को साधने का काम करेंगे। नीतीश कुमार को इसलिए भी बीजेपी यूपी में इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि ओबीसी तबके में खास तौर पर कुर्मी वोटर्स के बीच नीतीश की पैठ है, जिससे बीजेपी के लिए पूर्वांचल के इलाके में समीकरणों को साधना और आसान हो जाएगा। वैसे भी प्रयागराज और आसपास के इलाके में कुर्मी वोटर्स की तादाद भारी संख्या में है। बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्वांचल के इलाकों में बीजेपी को खासा नुकसान हुआ था। बलिया, गाजीपुर, घोसी समेत इस इलाके की ज्यादातर सीटें बीजेपी हार गई थी। ऐसे में बीजेपी इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और अभी से ओबीसी वोटर्स पर फोकस का प्लान किया है। हालांकि बीजेपी ने अभी इसको लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं।